दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी दो वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई, उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूँ। मुझे ज़्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे, पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पर चढ़े होंगे बचने के लिए, पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, LG साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, DDA से, MCD से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़े से बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ीबर्ड YouTube चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ीबर्ड ऐप।